हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम गुलजार हुसैन, आप देख पा रहे हो टेक्निकल गुलजार। तो फ्रेंड, आज मैं बताऊंगा अगर आपका पबजी मोबाइल लाइट बिना रीजन के या कोई भी प्रॉब्लम हुआ है और तुम्हारा अकाउंट 10 साल के लिए बैन आ गया, तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने पबजी मोबाइल लाइट की 2-4 वीडियो अपलोड किया था, तो इसमें बहुत सारी कमेंट आ रहा है क्योंकि 10 साल के लिए अकाउंट बैन दे रहा है। क्योंकि जो लोग ओल्ड वर्जन खेलना चाहते हैं उन लोगों का अकाउंट तो बैन दे ही दिया, और ऐसे कुछ रीजन नहीं है, ऐसे ही अपना मोबाइल सुबह उठते ही गेम ओपन कर रहा है और अकाउंट बैन हो गया। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। देखो, अगर वीडियो लास्ट तक नहीं देखोगी तो बाद में बोलोगी क्या बताया, या ये ऐसे गंदे गंदे कमेंट करते हो, इसलिए ये सब मुझे पसंद नहीं आता। तो आप लोगों को मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आपका अगर अनबैन करना चाहते हो तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपका अकाउंट अनबैन करना नहीं चाहते हो तो यहाँ पर वहीं पर वीडियो रुक कर वापस चला जाओ, क्योंकि बाद में गंदे गंदे गाली या इस तरीके से बकवास बात करोगी, इसीलिए मेरा गुस्सा आता है। और अगर आपका अकाउंट अनबैन हो गया तो एक कमेंट जरूर कर देना। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर तो आपका लॉगिन नहीं होगा, तो अकाउंट बैन है तो कैसे लॉगिन होगा। और जैसे कि लॉग आउट किया, तो आप जैसे कि जब पबजी मोबाइल लाइट ओपन करोगे तो आपको इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर आपका अकाउंट फेसबुक से यहाँ पर क्लिक कर रहे हो तो आपका अकाउंट 10 साल के लिए बैन दे रहा है। तो इसीलिए आपको करना क्या है, फर्स्ट टाइम जीमेल से एक अकाउंट खोल लेना या मोर पर क्लिक करके आप गेस्ट अकाउंट ओपन कर लेना। गेस्ट अकाउंट ओपन करने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, 2 या 1 मिनट तक वेट कीजिए। तो फिर से आप करना क्या है, गेस्ट अकाउंट से भी लॉग आउट कर देना। लॉग आउट करके ये पेज पर आ जाना। तो बाकी स्टेप मैं बता रहा हूँ। तो फ्रेंड, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। क्या होता है, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ये आपका मर्जी है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना काम हो जाए। तो आपको करना कि यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर देखो हेल्प आ रहा है, तो आप हेल्प के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे कि यहाँ पर हेल्प के ऊपर क्लिक करोगे, आपको करना क्या है, रिपोर्ट यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करोगे, आपको नीचे आना है, व्हाई माई अकाउंट हैज़ बीन बैन। तो यह बताओगी ये सब तो मैंने कर ही लिया लेकिन अकाउंट बैन नहीं हुआ। वीडियो देखते रहिए, पता चलेगा क्या करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नोटिस दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये देखो नीचे लास्ट पर, यहाँ पर पॉलिसी एंड यहाँ पर पबजी मोबाइल लाइट के ईमेल से अगर चैट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको करना कि इसको कर लेना है कॉपी। और जैसे कि इस तरीके से सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जीमेल आ गया तो जीमेल के ऊपर क्लिक करना, अगर जीमेल नहीं आया तो यह इसको आप कर लेना है कॉपी। तो मैं कर लेता हूँ कॉपी, और सीधा आप यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ से पबजी मोबाइल लाइट से बाहर चला जाना है। और जैसे कि बाहर आ जाओगे, आप अपना मोबाइल की जीमेल कर लेना है ओपन। जीमेल ओपन करने के बाद आपको कंप्रेस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, जैसे कि मैंने पेस्ट किया। तो आप इसको सिलेक्ट कर देना, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ लिख दो, प्लीज़ हेल्प मी यहाँ पर लिख देना, ठीक है। फिर आपको नीचे कंप्रेस ईमेल आप यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर मैंने तो पहले से ही लिख कर रखा है, आप भी यहाँ पर लिख लेना। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप यहाँ से कॉपी कर लेना या स्क्रीनशॉट रख लेना। और जैसे कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट या आप कॉपी करोगे, यहाँ पर पेस्ट कर देना। और जैसे कि पेस्ट करोगे, आप इस तरीके से थोड़ा सा नाम और अपना जो पबजी मोबाइल लाइट की आईडी है वो आईडी यहाँ पर पासपोर्ट आईडी लिख देना, और नीचे अपना जो गेम का नाम है वही यहाँ पर डाल देना। और यहाँ पर देखो ये सब लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या है, आप और एक काम कीजिए, आप जो 10 साल के लिए बैन हुआ था एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, और स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर ऊपर यहाँ पर क्लिक करके अटैच फाइल पर जाके सिलेक्ट करके बैठा देना, ठीक है, यहाँ पर पोस्ट कर देना है। जैसे कि मैंने यह सिलेक्ट किया और यहाँ पर ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा। और अटैच होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है,
इसे कर देना है सेंड। और जैसे कि सेंड करोगे आपको फिर से क्या करना है, आप फिर से पबजी मोबाइल लाइट कर लेना है ओपन, और ओपन करके एक गेस्ट अकाउंट फिर से ओपन कर लेना है। गेस्ट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको क्या करना है वो टिक से देखिए। तो गेस्ट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर फ्रेंड्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर लेफ्ट साइड फ्रेंड्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो ऐड आ रहा है, और ऐड आते ही यहाँ पर आप जो अपना जो मोबाइल लाइट की आईडी है वो आईडी यहाँ पर पेस्ट कर देना और सर्च कर देना। और जैसे कि सर्च करोगे तो देखो इस तरीका से अपना आ जाएगा। फिर आपको करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको क्या करना है, वो फाइल ऑटोमेटिकली अपना अकाउंट जो है वो आ जाएगा। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो रिपोर्ट आ रहा है, तो रिपोर्ट आ रहा है यहाँ पर देखो इस बंदा का अकाउंट बैन हुआ था लेकिन अभी खुल गया, इस सेम तरीका उसने किया था इसीलिए। तो फ्रेंड यहाँ पर देखो इसका स्टेटस आप देख सकते हो, पूरा जीरो है, एक दो मैच खेला है, उसका भी अकाउंट 10 साल के लिए बैन था लेकिन अनबैन हो गया। तो फ्रेंड यहाँ पर देखो इसका यहाँ पर टायर पर यहाँ पर देखो पूरा ब्रॉन्ज 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 पे है, क्योंकि इसका अकाउंट बैन आ गया था वही ओल्ड वर्जन के चक्कर में। तो फ्रेंड यहाँ पर देखो इसने सिर्फ एक मैच खेला है और बाकी वो बंद कर दिया क्योंकि उसका अकाउंट अनब्लॉक हो गया। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक कर देना, और जैसे कि यहाँ पर क्लिक करोगे अपना जो अकाउंट है वो यहाँ पर इस तरीका से आ जाएगा। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर रिपोर्ट देख पा रहे हो, नीचे रिपोर्ट आ रहा है, आप रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करोगे फिर आपको करना क्या है मैं बता रहा हूँ। तो फ्रेंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखो आधार आ रहा है, आधार पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आधार पर क्लिक करोगे आप इसकी यहाँ पर क्लिक कर देना, और तो आप यहाँ पर प्लीज गिव अस मोर पर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ये पेस्ट कर देना है, ये अलाउड है। तो फ्रेंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये भी सेकंड पर दे दूंगा, आप इसको टिक मार्क लगा के कर देना है रिपोर्ट के ऊपर क्लिक। जैसे कि इस तरीका से रिपोर्ट के वो कॉपी करके रख लेना है, और जैसे कि रिपोर्ट करोगे एक दिन में आप, जैसे कि अपना फ्रेंड कुछ पास होते हैं या कोई फ्रेंड आप उसे जानते हो तो उसको बोल देना, या उसका अलग अलग अकाउंट से उसे इस तरीका से सेम इस तरीका से रिपोर्ट यहाँ पर आधार या कुछ यहाँ पर ऐसे टिक मार्क लगा के, एक दूर टिक मार्क लगा के आप यहाँ पर पेस्ट कर देना, और पेस्ट करके आप रिपोर्ट कर देना। इस तरीका से आप रोज़ एक बार ही रिपोर्ट कर सकते हो एक अकाउंट से। आप अपना अकाउंट अनबैन करना चाहते हो तो थोड़ा सा इंतज़ार करो और थोड़ा सा आप मेहनत करो, अकाउंट अनबैन हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको इस तरीका से रिपोर्ट कर देना है, और जैसे कि 8-10 एक रोज में 8-10 रिपोर्ट मारना पड़ेगा, एक दो दिन मार दोगे तो ऑटोमेटिकली अनबैन हो जाएगा। वरना आप जो जीमेल पर जो रिपोर्ट किया था वो उसका रिप्लाई तक इंतज़ार करना। अगर पबजी लाइट वालों ने आपका रिपोर्ट का रिप्लाई दे दिया तो यहाँ पर जो कुछ दिया हुआ तो उसमें अनलॉक करने की अनबैन करने की कुछ रीज़न बताएगा, या आपको पेड करना पड़ेगा 400 रुपीज़, शायद 400 रुपीज़ पेड करना भी पड़ता है। अगर ऐसे ही बिना रीजन के अपना अकाउंट बैन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली अनबैन हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरीका से थोड़ा सा मेहनत करो, आपका अकाउंट वापस आ जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तो आपको और कोई हेल्प चाहिए या और कुछ इस तरीका से प्रॉब्लम हो रहा है तो फ्रेंड कमेंट करके बता देना,
मैं वीडियो अपलोड करूंगा। और एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो लोग ओल्ड वर्सन के चक्कर में घर रहे हो ना, ओल्ड वर्सन के चक्कर बंद कर दो। ओल्ड वर्सन के चक्कर में बहुत अकाउंट, जो लोग ओल्ड वर्सन के चक्कर में था सबका अकाउंट बैन हो गया। तो ऐसे कुछ लोगों का अकाउंट बैन नहीं हुआ और लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 80% लोगों का अकाउंट बैन हो गया। तो फ्रेंड आज का वीडियो वही है, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए।